के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं रहूं दोस्तों। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ए टू सर की जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे प्राप्त किए यूट्यूब पर 7+ मिलियन सब्सक्राइबर। दोस्तों ए टू सर वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी दुकान में नौकरी से यूट्यूब के 7 मिलियन तक का सफर तय किया। ये वो शख्स हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। ये वो शख्स हैं जिन्होंने राजस्थान से बेंगलोर तक का सफर तय किया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हर एक दर दर की ठोकरों खाते हुए फिर भी इन्होंने यूट्यूब पर अपना बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर लिया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यू प्राप्त करने वाले एंड ट्रेंडिंग में यूट्यूब पर वीडियो लाने वाले शख्स हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने जोस्टक यूट्यूब से जोस्टक तक का सफर तय किया। तो दोस्तों इस वीडियो में इन सब ए टू सर की पूरी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ए टू सर की जर्नी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरतगढ़ से। वहां पर उनके पापा की दुकान होती है, उन पर वो काम करते हैं 2-3 साल, झड़ पोछा का काम। बट वो सोचता है कि अभी ये दुकान कुछ ही टाइम में इसकी गद्दी पर मैं बैठने वाला हूँ। बट वो एक दिन अपनी मम्मी के साथ ननिहाल जाते हैं, तो वहां पर उनके मामा बोलते हैं कि ये सिर्फ दुकान पे झाड़ू पोछा करने का ही काम कर सकता है। वहां से वो उनके दिमाग में एक चैलेंजिंग पॉइंट बन जाता है। फिर घर पर आते हैं तो पापा भी यही बोलते हैं, तो वो भी उनके लिए चैलेंजिंग पॉइंट बन जाता है। तो उन दोनों चैलेंजों को पूरा करने के लिए वो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स को पास आउट करते हैं और उनको कॉलेज मिलता है जयपुर राजस्थान में। फिर वो जयपुर के लिए जाने के लिए उनको कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए इंजीनियरिंग की उनके पास पैसे नहीं होते हैं, बट वो पैसे एजुकेशन लोन के द्वारा अपने अरेंज करते हैं। उनकी उसके बाद वो चेक लेके वहाँ से गंगानगर सूरतगढ़ से रवाना होते हैं जयपुर के लिए। और जयपुर आकर के फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की, और सेकेंड ईयर में फिर वो पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। फिर ऐसे लड़कों के साथ संगति हो जाती है, फिर उनका फ्यूचर धीरे धीरे वापस बैकवर्ड में जाना शुरू होता है। फिर वो मोटिवेट होते हैं क्योंकि उन चैलेंजों को उनको पूरा करना था, तो वो एक उसी कॉलेज में पढ़ना शुरू करते हैं गेट के एग्जाम के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट होती है, 11,000 से वो अपना वर्क करना शुरू करते हैं उसी कॉलेज में। फिर उनके पास एक सीकर से कोचिंग से ऑफर आता है कि आप हमारी कोचिंग में आए और पढ़ाएं गेट के लिए। तो वो सीकर जाते हैं, 1-2 साल सीकर पढ़ते हैं, उसके बाद उनको उस कोचिंग से भी निकाल दिया जाता है। फिर वो डेमो देने के लिए गुजरात जाते हैं, गुजरात डेमो देते हैं, फिर वहाँ भी मामला सेट नहीं हो पाता है। बट उसी दिन दूसरे दिन जिस दिन डेमो देते हैं उसी दिन एक उनके पास ऑफर आता है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो तो आप अपनी हमारी कोचिंग में पढ़ा सकते हो। बट सर के पास ये चैलेंज होता है कि क्योंकि वो गेट के एग्जाम की तैयारी करवाते थे, उनको केमिस्ट्री पढ़े हुए लगभग 10 साल हो चुके होंगे, तो वो केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए यूट्यूब फॉलो करने शुरू करते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो को डेमो के लिए एक बार वीडियो देखते हैं कि उसका डेमो देखने के बाद क्या करते हैं कि वो यूट्यूब को धीरे धीरे यूट्यूब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू करते हैं। फिर छोटा सा एक मैड इजी केमिस्ट्री के नाम से खुद का चैनल बनाते हैं। फिर धीरे धीरे वो चैनल आगे बढ़ना शुरू होता है, फिर मोनेटाइज होता है, उसके वजह से उनके पास धीरे धीरे पैसे आने शुरू होते हैं। फिर यूट्यूब पे बहुत जाने पहचाने टीचर बन जाते हैं केमिस्ट्री के। उसके बाद सर के पास एक ऑफर आता है टिकटॉक की तरफ से कि आप आओ हमारे टिकटॉक में भी काम करना शुरू करो। तो वो जाते हैं यूट्यूबर्स कहाँ पर, सर टिकटॉक की ऑफिस में, बट वहां पर उनको वर्क नहीं मिल पाता है। तो वो यूट्यूब पे मतलब सॉरी काम मिल पाता है, वो टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बनाने शुरू करते हैं। फिर धीरे 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 टिकटॉक पे वो छाने लग गए और टिकटॉक पर उन्होंने 7.2 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए। बट पिछले साल 2020 में क्या हुआ कि वो टिकटॉक है वो इंडिया के अंदर हो गया बैन, तो सर के वो 7.2 फॉलोअर पूरे के पूरे खत्म हो गए। फिर सर ने एक नुस्खा अपनाया कि ए टू मोटिवेशन नाम से चैनल को शुरू किया यूट्यूब पे और उनपे शॉर्ट वीडियो डालने शुरू कर दिए। जो टिकटॉक पे डालते थे वही शॉर्ट वीडियो इस यूट्यूब पे डालने शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे सर के वो शॉर्ट वीडियो चलने शुरू हुए और 4 महीनों में सर के सब्सक्राइबर हो गए 4 मिलियन। 4 मंथ्स में 4 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने प्राप्त कर लिए। नेक्स्ट मंथ जैसे ही 5 मंथ हुए उनके 5 मिलियन सब्सक्राइब जो प्राप्त हो गए, और 6 मंथ होते ही उनके हाल ही कल ही 7+ मिलियन सब्सक्राइबर प्राप्त हो गए। उन 7+ सब्सक्राइब होने पर उन्होंने बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रखी है यूट्यूबर्स के लिए, चाहे यूट्यूबर चैनल हो होंगे या ना हो, जो भी सर के यूट्यूब पर वुमन बैन और सर ए टू सर मोटिवेशन के नाम से जो भी वीडियोस बनेंगे उनके बारे में वो अपने
चैनल पर उन वीडियो को प्रमोट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। यही यूट्यूब सर की पूरी कहानी है। जय हिंद, जय भारत।